स्वजन और निर्मल मन हो, इसी सोच विचार के साथ मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं और इन बड़ी रूपी एक एक दियों में अग्नि प्रज्वलित कर इन्हीं आशाओं के साथ कि मध्य प्रदेश का भविष्य स्वर्ण हो, उज्जवल हो, इन्हीं आशाओं के साथ बड़ी रूपी दीप को प्रज्वलित करें। तालियां बजती रहना चाहिए क्योंकि आज बच्चों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी उत्सव मना रहे हैं, एक एक दियों में अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं इन्हीं आशाओं के साथ कि प्रदेश निरंतर उन्नति के क्षेत्र में अग्रणी रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बन रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी की अनूठी सोच है और हम एक वर्ग के कल्याण की अनूठी सोच के साथ वे निरंतर प्रयासरत है मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए। पुनः हम मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का। हमारे भारतवर्ष की एक और अनूठी परंपरा अतिथि देवो भव, और इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी से कि वे पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। यहाँ पर से सभी बच्चे अपनी तालियों के माध्यम से अपने प्यारे मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करेंगे। और मैं आग्रह करूंगी श्री राम बंसल जी से कि वे माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी को पुष्प गुच्छ, और मंत्रासीन समस्त जनप्रतिनिधिगण, सम्मानीय मंत्रीगण पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये स्वर्णिम पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। सभी बच्चे तालियां बजाते रहे कई सारे उपहारों के साथ। आपके प्यारे मुख्यमंत्री जी आपके बीच आए हैं, एक अनूठा स्नेह है माननीय मुख्यमंत्री जी का बच्चों से, और इसी सोच के साथ दीपोत्सव को मनाने के लिए उनका शुभागमन हुआ है। और सम्मानीय मंच माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहा है माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय श्री जगदीश यादव जी, माननीय राहुल कोठारी जी, माननीय श्री राम बंसल जी, माननीय श्रीमती कुसुम चतुर्वेदी जी, समस्त मंच एक बार पुनः मंचासीन समस्त अतिथियों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस दीपोत्सव कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो पल जिसका आप सभी को बहुत देरी से इंतजार था, हमारे बीच बेहद संवेदनशील, बेहद स्नेहशील हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं आपके लिए कई सारे सौगातें लेकर आपके जोरदार कर्तव्य ध्वनियों के साथ। आइए हम सभी आग्रह करते हैं हमारे प्यारे मुख्यमंत्री जी से। भोपाल की तस्वीरें जहां पर स्कूली बच्चों के साथ दिवाली मनाते हैं प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव, गांधीनगर के सरकारी स्कूल में आयोजन जिसमें विधायक रामेश्वर शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय, जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी मंच पर आसीन हैं और स्कूली बच्चों के साथ प्रदेश के मुखिया दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। और दीपावली वाली का जश्न लेकर आए हैं, पटाखे भी वो आपके साथ चलाना चाहते हैं, क्योंकि बचपन में भी जो मोहन जी का नटखट था, गाना का जो नटखट था, वो उसको अपने साथ बच्चों के साथ जीना चाहते हैं। ऐसे अपने लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए दोनों हाथ उठाकर ताली बजाइए, दोनों हाथ उठाकर, अरे जोरदार ताली बजाइए। और जब इनको बच्चों को पता पड़ा कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में दीपावली मनाना चाहते हैं, छुट्टी होने के बाद भी जब बच्चियों में पता पड़ा तो बेटा और बेटी ड्रेस में भी आए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके साथ दीपावली की मिठाई खाने भी आए हैं। और आप भी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मध्य प्रदेश में गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए अभी गए बौद्ध विहार, बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चित्र पर माल्यार्पण किया प्रतिमा पर। और जो हमारी सफाई काम की बहन थी उनने कहा बहनों तुम्हारे कारण मध्य प्रदेश साफ सुथरा है, इसलिए मैं दीपावली बाद में तब मनाऊंगा जब बहनों में तुमको मिठाई खिलाऊंगा, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने अपनी बहनों को भी मिठाई दी, इसके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। और आज ये भोपाल का एक नंबर वार्ड है,
राजा भोज का स्टेडियम, भोज स्टेडियम, भोज एयरपोर्ट भी इसी वार्ड में है। दो दो स्कूल यहाँ पर है। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बना है, दीपावली का पर्व है, आप सब पधारे हैं। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता, प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राहुल कोठारी जी आए हैं, हमारे जिले के महामंत्री जगदीश यादव जी हैं, जिला उपाध्यक्ष राम बंसल जी हैं, राजू मीना जी हैं, पृथ्वी त्रिवेदी जी हैं, राधे महाराज जी हैं और आपकी पार्षद कुसुम चतुर्वेदी जी भी हैं। क्योंकि हम ज्यादा बीच में बाधा नहीं बनना चाहते, आप आपके भैया से सीधा संवाद करना चाहते हैं, वो दीपावली की शुभकामनाएं आपको देना चाहते हैं और दीपावली भी ऐसी हो राजा राम जैसी दीपावली हो। क्योंकि अयोध्या में, अयोध्या में भी दिए जल रहे हैं, भाभी राजा राम की जय जयकार हो रही है, तो आप भी बोलेंगे दोनों हाथ उठाकर जय श्री राम।